अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं. अभी आई एम गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस एवरी डे. कोई कह रहे हैं कि कहाँ रिलीज हो रही है बेसिकली, कि उनके स्टेट में हो रही है नहीं हो रही है. और पोस्टर सबको बहुत अच्छे लगे एंड ट्रेलर भी बहुत जल्द आने वाला है फिल्म का. एंड गाने भी बहुत जल्द आने वाले हैं जिसका मेरे को भी पर्सनली बहुत इंतज़ार है. बिकॉज मेरे पर्सनली मेरे जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं उसमें देयर इज अ फ्यू सॉन्ग्स जो मेरे बहुत क्लोज टू माई हार्ट है. तो यही बस. अभी आज हम जिम में आए हुए हैं एंड बस क्या आप बताना चाहेंगे जिस तरीके से इसमें आपका रोल है तो किरदार क्या है? बिकॉज एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर मूवी. पहले तो हम देखते हैं कि क्या किरदार है, स्टोरी क्या है, किसके रिलेटेड है. तो ये किरदार जो है बहुत ही आम एक आम लड़के का है जो अभी कॉलेज से फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज है एंड स्मॉल टाउन में ही रहते हैं. सारे जो फ्रेंड्स हैं स्मॉल टाउन में रहते हैं एंड बस यही कि अब उनका उनकी लाइफ चली जा रही है. उनको समझ नहीं आ रहा है बेसिकली कि अब थोड़ा कन्फ्यूजन आ गया आफ्टर कॉलेज कि काम आ गया है, रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स आ गए हैं. तो बस यही स्टोरी है. बहुत प्यारी स्टोरी है एक्चुअली. थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स तो ऑब्वियसली है ही, जो कि मैं नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी. वो तो देखने के बाद ही मैं आपको बोलूँगा बिकॉज दैट्स व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट. अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल लव स्टोरी पर बहुत ही मतलब सिंपल है. बट उसको जिस तरीके से दर्शाया गया है सिंप्लिसिटी में भी एक ब्यूटीफुल सिंप्लिसिटी भी ब्यूटीफुल है. तो उसमें उस तरीके से दर्शाया गया, हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने उसको बहुत ही प्यार से दिखाया गया कि सिंप्लिसिटी इज ऑल्सो ब्यूटीफुल. इट यू डोंट ऑलवेज हैव टू इट डजंट हैव टू बी एक्सट्रावेगेंट ऑलवेज. मैम आई थिंक डेट तो फिक्स्ड है बिकॉज उसमें तो ऑब्वियसली मेरा कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है डेट में एंड बट फिर भी डेट इज़ फिक्स्ड. एंड मैम फिल्म्स तो आई थिंक एवरी वीक आनी ही आनी है. मैं अगर हम अगर जो प्रोड्यूसर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो डेट शिफ्ट भी कर दें तो कोई ना कोई फिल्म तो ऐसी है जो आएगी आएगी. तो आई थिंक इट्स बेस्ट कि उन्होंने जो डेट चूज़ करा है उसी पे ही फिल्म आए. और दर्शक भी वेट कर रहे हैं जितना हम सबको रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि सब वेट कर रहे हैं. तो लेट्स होप कि सब अच्छा ही हो. एक एक्टर के लिए बहुत सारे अलग अलग होप्स होते हैं जैसे कि नेगेटिव रोल एंड पॉजिटिव. तो अगर आपको अगर इसके बाद भी मौका मिले कोई भी शॉर्ट फिल्म और मूवीज में काम करने का तो आप कौन सा रोल प्ले करना चाहिए? मैम ऐसा कोई वो नहीं करूँगा मैं कि मेरे को पॉजिटिव ही करना है, मेरे को नेगेटिव ही करना है. मेरे को बस एक इंटरेस्टिंग किरदार हो, क्या हो कि एक मतलब करने में मज़ा आए, लोगों को देखने में मज़ा आए, कुछ डिफरेंट हो फ्रॉम दिस. जो मैंने अभी विक्रम का किरदार जो मैंने प्ले करा है हमारे इसमें, तो बस यही उम्मीद है. सो जैसे कि हम देख सकते हैं आज हम जिम में हैं, सो आपके कुछ फिटनेस रिलेटेड पूछना चाहेंगे. बाकी ये जो बॉडी इतनी अच्छी बनाई है इसके पीछे का राज यही है आई थिंक जस्ट अ गुड बैलेंस्ड लाइफ. कि तो वर्कआउट ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन वर्कआउट कर रहे हैं और आप ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा दिखने के लिए. हफ्ते में अगर आदमी चार दिन पाँच दिन भी अपनी हेल्थ को देता है आई थिंक वो मोर देन इनफ है. तो ऐसा मतलब एक एक, एक अच्छा दिखना, मतलब अगर आप अच्छे से अच्छा दिखना चाहते हैं आप इतना करेंगे आप एक लंबा जीवन जियेंगे, आप एक डिजीज़ फ्री लाइफ जियेंगे और आप अच्छे भी दिखेंगे. बाकी डाइट तो ऑब्वियसली आपको अच्छा खाना और अच्छा वर्कआउट. टिप यही देना चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि आप उतना ही खाएं जितना ज़रूरी है. ज़्यादा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है और अच्छा खाएं. फ्राइड और चीनी से दूर रहें थोड़ा, बाकी तो सब सही है. बाकी खाना एंजॉय करने के लिए बनाए तो उसे एंजॉय भी कीजिए, बट आई थिंक थोड़ा सा एक सर्टेन लिमिट होना चाहिए. आज भी लोगों के अंदर बहुत सी नेगेटिविटी होती है कि हमें जिम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. एक बार ज्वाइन किया और छोड़ दिया तो फिर बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं. सो व्हाट इज योर आई थिंक कंसिस्टेंट जैसे आप कह रही हैं कि लोग छोड़ देते हैं. आई थिंक फॉर एनी थिंग इन लाइफ जिससे हमें रिजल्ट चाहिए, जिस चीज़ से हमें लाइफ में रिजल्ट चाहिए आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ एवरी थिंग. तो अगर हम कंसिस्टेंट हैं लाइफ में, हम कुछ भी कर रहे हैं चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हो लाइफ में, तो आई थिंक कंसिस्टेंसी ऐसी चीज़ है जिससे हर चीज़ जैसी हम चाहते हैं वैसी हो जाती है इवेंचुअली. तो आई थिंक कंसिस्टेंसी ही एक
सोल्यूशन है टू अ गुड हेल्थ टू अ गुड लाइफ. एंड आज हम जिम में आए हुए हैं. दिस इज माई जिम, दिस इज वेयर आई वर्कआउट. इट्स कॉल्ड द फंडामेंटल्स ऑफ हेल्थ, जैसे आप देख सकते हैं TFS जो दीवार पर छपा भी हुआ है. एंड मेरे ट्रेनर हैं, उनका नाम है सिद्धार्थ, जो ये जिम ओन भी करते हैं. मैं उनको बुलाना भी चाहूँगा एक बार, वो भी आप सिद्धार्थ विद अ लॉट ऑफ प्रिसाइसनेस एंड आई रियली लव दैट वर्क. ही नोज हाउ टू गो द लॉन्ग वे विद हेल्थ. देयर इज नो शॉर्टकट्स हियर. इफ यू लुक एट द जिम ऑल्सो यू शुड कम हियर. इट्स कॉल्ड द फंडामेंटल्स ऑफ हेल्थ TFS एंड हिज नेम इज सिद्धार्थ. आप इनसे कुछ डील करेंगे तो ही इज एक्चुअली वेरी हंबल बिकॉज़ he has been very consistent with the whole workouts and stuff always, and I genuinely wish him a very good luck for his upcoming project. And I just hope the work ethics he has proved in a lot of ways how I can also develop a lot of things over here. And I think the way he's going on, I think he's just going upwards and onwards, and I wish him all the best. Thank you. Thank you so much. Yes. Thank you. Right. Cheers. I think it's very important. I think अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप हाउ विल यू सस्टेन योर सेल्फ फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज देर इज नो फिक्स्ड आवर्स फॉर एन एक्टर एज अ प्रोफेशनल. बिकॉज आपका कोई इट्स नॉट लाइक 9 to 5 के यू नो यू गो टू द ऑफिस एंड देन यू हैव अ कपल ऑफ आवर्स टू योर सेल्फ या कुछ भी कर सकते हैं. इसमें यू हैव टू स्टे रेडी ऑलवेज. इफ यू आर सिक यू गोना मिस आउट ऑन समथिंग. So that's what I believe. Okay, it's very important. Health is first, for sure. So, I think आप डाइट तो 100% घर पे कर सकते हैं, जो कि घर पे ही होती है. बाकी योगा है, दिस योगा, दिस और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस लाइक पुशअप्स, दिस पुशअप्स, दिस पुलअप्स, दिस रनिंग, दिस स्किपिंग, दिस स्विमिंग. स्विमिंग हम घर पे नहीं कर सकते, पर तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं. लव्स द फिल्म, प्लीज़ जाइए थिएटर में आप देखिए. एंड इसमें बहुत मेहनत हुई है इस प्रोजेक्ट पे, और पूरी टीम ने बहुत अपना पूरा 200% दिया. सो इट्स रिलीजिंग ऑन द 27th ऑफ मे. तो आप आइए एंड देखिए, एंड प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा.